नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। वाराणसी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अजय मिश्रा जो कि कोर्ट कमिश्नर के पद पर नियुक्त थे, उन्हें पद से हटा दिया गया है। अप्रत्याशित फैसला है ये कोर्ट का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह यथावत रहेंगे, जबकि अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वाराणसी से अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर यथावत रहने वाले हैं, अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह। करेगी ये जो एक क्लिप थी जिसमें कहा गया था कि तीन अहम चीजों को हटाने को लेकर डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदारा बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्व का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाया गया? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। इसमें एप्लीकेशन पत्र इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। जी 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 जी, पढ़ दीजिए एक बार, इसको पढ़ दे रहा हूँ। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 79 ग अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया कि दिनांक 12/5/22 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर नियुक्त हुआ था और अन्य दो लोग भी साथ में कमिश्नर नियुक्त हुए थे, परंतु वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान रुचि नहीं ले रहे थे। ये तमाम आरोप लगाए गए, तमाम आरोप लगाए गए हैं, पूरा एक पन्ना आरोप में है। कमिश्नर ने एडवोकेट कमिश्नर पे लगाया था। हाँ, जो विशाल सिंह जो बाद पूरा सिनेरियो ये है। दो दिन का समय हमने मांगा था, दो दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि दो दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे, इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था।
उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज्यादा थी। पूरा आदेश एकदम विस्तृत है, उसको एक बार देख लें आप और अजय प्रताप जी बताएंगे। बताइए, कल की सुनवाई के लिए कल तारीख नियत है शायद 82 की सुनवाई के लिए, जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। जी दो दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उससे माननीय न्यायालय द्वारा दो दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, अब यही समझ लीजिए थोड़ा कि थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पर विशेष नहीं करनी। नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तबीयत खराब रही होगी, उतना आप जानकारी नहीं। जी वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सोचे मीडिया को कानो कान खबर भी नहीं लगी कि इस तरह की बड़ी खबर सामने आ जाएगी। अजय मिश्रा, जिनका नाम शुरू से ही विवादों में रहा, उनके ऊपर आरोप लगाया किसने, विशाल सिंह, जो कि बाद में सहायक कमिश्नर के तौर पर नियुक्त हुए थे। प्रार्थी के तौर पर उन्होंने ये पूरे के पूरे आरोप लगाए, जिन पर सुनवाई कोर्ट ने की है। माननीय न्यायालय ने साफ तौर पर अजय मिश्रा को हटा दिया है जिम्मेदारी से, गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की एवज में। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब जो विशाल सिंह थे वो मुख्य भूमिका में आ गए हैं, वही रिपोर्ट को प्रेषित करेंगे, जबकि अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी के तौर पर काम करने वाले हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विशाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट को दाखिल करेंगे, दो दिन का समय कमीशन की रिपोर्ट को मिला हुआ है, जबकि कल वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जिस तरीके की बातें रखी गई हैं उन पर न्यायालय की तरफ से सुनवाई होगी। तो ये तो थी वाराणसी से खबर, लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है, राजधानी में भी इस पूरे मामले की धमक है। ज्ञानवापी पर बड़ी खबर दिल्ली से भी सामने आ रही है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में सर्वे का आदेश को कानून के खिलाफ बताया गया है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल ये सर्वे हो चुका है और कमीशन को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी भी दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन और सुनवाई भी चल रही है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, दिल्ली से अंकुश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तो वहीं अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख दिल्ली का होगा। अंकुश, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि मामला बहुत बढ़ गया है, आगे बात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। की गई थी, जो सर्वे किया गया है वो गैर कानूनी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कानून बना था, जिसमें ये कहा गया था कि पूजा स्थल को किसी भी तरीके से छेड़ा नहीं जाएगा, साल 1947 जब देश को आजादी मिली थी उस समय की यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा, और इसे बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था उसे इससे बाहर रखा गया था। लेकिन अब जबकि वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे के आदेश दिए गए हैं, उसे मुस्लिम पक्ष की ओर से गैर कानूनी बताया गया है, और ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से वो सर्वे किया गया है, कानून के बाहर जाकर ही सर्वे किया गया है। हिंदू पक्ष ने सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था और ये कहा था कि उन्हें भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए, और उस समय पर डीवाई चंद्रचूड़ जो कि जस्टिस है उन्होंने ये कहा था कि हिंदू पक्ष के लोग भी आए और अपनी बात को जो है वो कोर्ट के सामने रखे। इस समय मौजूदा वक्त की अगर मैं बात करूँ पूजा, तो ये सुनवाई फिलहाल अभी चल रही है और मामले में दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट गहनता से सुन रहा है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, देश धर्म निरपेक्ष राज्य है और
सभी को अपने अपने हिसाब से धर्म मानने की जो है स्वतंत्रता है, लेकिन किसी के धर्म को इससे आंचना है ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे जो असामाजिक तत्व है वो भी उससे जो है उसको प्रभावित होंगे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए इस पर जो है वो सुनवाई कर रही है। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, और मामले में जो वाराणसी कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया था सर्वे को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। लेकिन फिलहाल अभी पूरे देश की नजर इसी मामले पर टिकी हुई है कि ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। पूजा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है अंकुश, जो ताजा जानकारी मिल रही है कि जिला अदालत इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुनाए और उसके खिलाफ अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल देखिए पूजा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी कुछ भी बात करने से इनकार किया है, और साथ ही ये कहा है कि थोड़ी ही देर में कोर्ट अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देगा। कोर्ट दोनों ही पक्षों को गहनता से सुन रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उनकी धार्मिक आस्था को जो है इससे ठेस बिल्कुल वर्शिप एक्ट की का हवाला देते हुए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तमाम दर्शकों को बता दें, और इस बीच हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अजय मिश्रा हटा दिए गए, मीडिया को कानो कान खबर नहीं लगी इस बात की कि अजय मिश्रा को लेकर के भी किसी तरीके की बात सामने आ सकती है। प्रार्थी जो थे वो थे विशाल सिंह, जो कि बाद में इस पूरे केस में इन्वॉल्व होते हैं, अब वो मुख्य भूमिका में आ गए हैं, क्या लगता है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, लगातार अजय मिश्रा, चूंकि जब पहले दौर का सर्वे रहा वहां विरोध अजय मिश्रा का प्रतिवादी द्वारा किया गया, उसके बाद जिस तरीके से सर्वे की कार्रवाई फिर 3 दिवसीय चली। लेकिन एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, दोनों कोर्ट कमिश्नर से हम लोगों ने बात की है, दोनों कोर्ट कमिश्नर का कहना है, जो तथ्यों की बात हो रही थी कि प्राइवेट कैमरा ले जाना और तमाम तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसको सिरे से उन लोगों ने खारिज कर दिया है और ऐसा कोई बात नहीं कहा है। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर रखी है कि जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई है, जो रिपोर्ट है, जो वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है, उसकी रिपोर्ट्स जो तैयार की जा रही है, उसको तैयार करने में इनका सहयोग न मिला, जिसके वजह से ये लोग नाराजगी जताते हुए कोर्ट में इन्होंने याचिका दी कि सहयोग करने के लिए किसी और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि जो SIT की रिपोर्ट है, जो सर्वे की रिपोर्ट है, उसको पूरी तरह से बनाकर सबमिट करने में आसानी हो सके। लेकिन जो बात की जा रही है लगातार उनको मामले को लीक करने के, ट्रेस आउट करने के, ऐसी कोई बात अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है दोनों कोर्ट कमिश्नर द्वारा। जी पूजा, लेकिन जिस तरीके की बात अधिवक्ता जो बाहर आए कोर्ट के, उन्होंने वो पूरे विशाल सिंह की जो आरोप थे उनको पढ़ने का काम उन्होंने किया, जो वाद उन्होंने दाखिल किया, जो कथन दाखिल किया है उसको पढ़ने का काम उन्होंने किया, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि वो उन्होंने निजी कैमरा पर्सन रखा हुआ था जो मीडिया में तमाम इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा था, इसी वजह से उनको गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते उनको हटाया गया है पद से। देखिए मुझे सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, अगर मीडिया के लीक की बात लगातार हो रही है, उन्होंने कोर्ट के आदेश में पिटीशन दिया होगा, तो ये इंटरनल मामला है, क्योंकि ये मीडिया तक नहीं आया है, क्योंकि जो आदेश हुए हैं, आदेश की कॉपी निकलकर बाहर आ गई है लेकिन अभी तक मीडिया के हाथ में नहीं मिली है। तो विशाल सिंह ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, लेकिन उनसे जब बात की गई तो उन्होंने उसको सिरे से खारिज किया। उनका सीधा कहना है, विशाल सिंह हो या सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह हो, दोनों लोगों का कहना है जो रिपोर्ट तैयार की जा रही थी उसमें इनका सहयोग कहीं से नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से नाराजगी उनके में थी और उसको लेके याचिका दिए, उसके बाद जो कोर्ट का आदेश हुआ है उनको हटाने का तत्काल प्रभाव। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा, समझा और सुना कि किस तरीके से पूरे वाद और प्रतिवाद में लगातार सुनवाई का दौर, अफवाहों का दौर, दावों का दौर जारी है, और इस बीच अजय मिश्रा को हटा दिया गया है पद से। फिलहाल केंद्रीय मंत्री तो नहीं हटाए गए, अजय मिश्रा टेनी जिनकी बात चल रही थी, लेकिन यहाँ कोर्ट कमिश्नर यानी कि जो एडवोकेट कमिश्नर तैनात किए गए थे अजय मिश्रा, उनको जरूर हटा दिया गया है। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है पूरे मामले को लेकर के वर्शिप एक्ट के तहत। वर्शिप एक्ट समझ लीजिए क्या है, 1947 जिस दौरान देश आजाद हुआ था उस दौरान ये बात रखी गई थी कि चाहे वो हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, जिसकी मंदिर जिसके मस्जिद जो जहां बने हुए हैं वो यही वहां पे ही बने रहेंगे और उनकी तासीर नहीं बदली जाएगी, तासीर में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, इसी एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो बड़ी खबर है जानकारी वाराणसी से, बाकी दोनों कमिश्नरों को 2 दिन की मोहलत मिल गई है कि वो रिपोर्ट को पेश कर सकें।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। एक बार फिर से बीजेपी कार्यालय में सरकार के मंत्रियों के बैठने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यालय में फिर से मंत्री जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। बहुत जल्द मंत्रियों के जिले के दौरे भी तय हो जाएंगे। पार्टी संगठन इस दिशा में काम कर रहा है और बहुत जल्द ही इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। इसके अलावा पहले भी मंत्रियों के विधानसभा में भी बैठने को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था, लेकिन कोविड काल के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई थी और फिर से शुरू नहीं हो पाई। अब बीजेपी संगठन फिर से इस व्यवस्था को शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि जल्द ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारी चल रही है और युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं। अपने आवास पे संवाद कार्यक्रम जहां जनता दरबार लगाने की आवश्यकता पड़ती है वहां जनता दरबार लगाते हैं, और उन्होंने तमाम अधिकारी को कहा है कि सोमवार आप लोगों को जनता के लिए छोड़ना पड़ेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको उसकी जवाबदेही आपकी रहेगी। और हर सोमवार, क्योंकि कोई भी पेंडेंसी काम की ना हो, एक वर्क कल्चर को बदलने के लिए मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत शुरुआत युवा मुख्यमंत्री ने की, इससे काम में जो वर्क कल्चर है उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा चल रही है। रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे यात्रा के दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिससे प्रदेश सरकार के सामने बढ़ती संख्या परेशानी का सबब बनती जा रही है। तो वहीं अब तक यात्रा के दौरान हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल या निशान है। दूसरी ओर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का यात्रियों की संख्या और दर्शन संख्या को लेकर कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है, जितनी हमारी केयरिंग कैपेसिटी है उतने ही लोगों को अनुमति दी जाएगी। सभी पर्यटकों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा यात्रा को डाइवर्सिफाई करें। हमारे पंचबद्री भी हैं, पंचकेदार भी हैं, भविष्यबद्री भी हैं, और भी ऐसे स्थान हमारे उत्तराखंड में हैं। हमारे पर्यटन विभाग ने शैव सर्किट बनाया है, शाक्त सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है, हमने विवेकानंद सर्किट बनाया है, महाशु सर्किट बनाया है, नवग्रह सर्किट बनाया है, तो उनका भी आनंद लें। और इसके साथ साथ जो हमारे बाइफर्केशन हैं, जो हमारे डाइवर्जन्स हैं, उनका भी आप उपयोग करेंगे तो आपको दूसरा ही रमणीय स्थान देखने को मिलेगा। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें। वहीं 2021 दिसंबर में हरिद्वार में हुए धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में हरिद्वार जेल में बंद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बताते चलें कि हरिद्वार के शहर कोतवाली पुलिस ने उन्हें 13 जनवरी 2022 की शाम को उस समय गिरफ्तार किया था जब उन्होंने हेट स्पीच दी थी। ओम नमो नारायण। एक खुशखबरी है अभी कि हमारे जितेंद्र नारायण त्यागी जी और वसीम रिजवी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंट्रीम बेल दिया है 3 महीने का। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक छोटे मुकदमे में 4 महीने बाद आदरणीय त्यागी जी हम लोगों के बीच होंगे। उम्मीद है कि हमको भी न्यायालय कंसीडर करेगा और हमको गाइडलाइन देगा कि वास्तव में हेट स्पीच क्या है, सच बात कहना भी क्या हेट स्पीच है। तो जो भी गाइडलाइन होगा कोर्ट का, क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, उसको पूरी तरह से हम लोग मानेंगे और आने वाले समय में हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे न्यायालय की अवमानना हो। ओम नमो नारायण, जय हिंदू। वहीं चंपावत तो उपचुनाव को लेकर के 31 मई को मतदान होना तय है, जिसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।